हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर सेफ एट योर होम। तो आज हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके थे, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से ही थोड़ा सा मिलता जुलता चैप्टर है फेडरलिज्म। तो आइए हम देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम भी बच सके। तो देखिए, आज का चैप्टर है अभी हमारा फेडरलिज्म। तो देखिए, फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म क्या है और कैसे ये वर्क करता है, और इंडिया में क्या फेडरल गवर्नमेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन, सारे चीज़ें हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा चैप्टर। देखो भी, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी फीचर ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म की फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देख लीजिए, हैज़ टू और मोर लेवल। इसके अंदर क्या होते हैं, अभी हैज़ टू और मोर लेवल, दो लेवल या दो से ज़्यादा लेवल भी हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे एक होती है अभी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट, या फिर पंचायती राज सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, हैज़ टू और मोर लेवल, दो या दो से ज़्यादा लेवल होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल लेवल हो गया, दैट इज़ अ सुपीरियर गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल या फिर पंचायती राज सिस्टम, या फिर इसको हम लोकल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे बेल्जियम में इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ईच लेवल हैज़ ओन इट्स पावर एंड ज्यूरिडिक्शंस। तो इस पॉइंट्स में क्या है कि भाई हर लेवल के ऊपर, हर लेवल पे इसका अपना एरिया और कुछ ज्यूरिडिक्शंस होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में जिसमें ये वर्क करते हैं, जिसके अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है भी अपने एरिया में काम करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है भी अपने एरिया में काम करने के लिए, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने एरिया में काम करेगी। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लेवल एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। हाँ, अगर कोई ना कोई फिर भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रीफ्रेंस दी जाती है, अगर तब भी मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो क्या होगा, इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक और अनदर ऑप्शन है। वो क्या है, वो हमारी जुडिशरी विंग है, जो अगर कभी किसी कानून में, किसी रूल्स में, किसी रेगुलेशन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको जुडिशरी विंग सॉर्ट आउट करती है। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ज्यूरिडिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये नहीं है कि भी हर लेवल ने अपना ज्यूरिडिक्शंस, अपना एरिया अपने आप डिसाइड कर लिया है। नो, दिस इज स्पेसिफाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ पे है सब कुछ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ईच एंड एवरी रूल्स, रेगुलेशंस, आर्टिकल स्पेसिफाइड कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डन दिस वर्क, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डन दिस फील्ड, लोकल गवर्नमेंट हैज़ डन दिस टाइप ऑफ वर्क। तो ये सारे के सारे कहाँ पे दिए गए हैं, ऑल आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, भी कितना टाइम लगा, ये चीज़ें तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस मैटर पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो आगे आ जाइए, जुडिशरी विंग इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट लेवल। हाँ, जो मैं पहले बता चुका था आपको कि अगर किसी भी लेवल के अंदर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, कोई क्लैश अराइज हो जाता है, तो इस सिचुएशन में कौन, जुडिशरी विंग इंटरप्रेट करता है। जुडिशरी विंग उसमें इंटरप्रेट करके और उसको मैटर को सॉर्ट आउट करता है, क्लियर। देखो भी, हमने यहाँ पे लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था, वहाँ पे भी आए थे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में, कि लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जुडिशरी विंग होते हैं। लेजिस्लेचर क्या करते हैं, रूल मेकिंग का काम करते हैं। अगर उन रूल को कौन इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर उन रूल्स में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है या कोई रूल्स या पॉलिसी गोज अगेंस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, तो फिर उसमें कौन इंटरप्रेट करता है, जुडिशरी विंग उसमें इंटरप्रेट करता है, ओके। इसके बाद देखिए भाई, सोर्स ऑफ रिवेन्यू आर क्लैरिफाइड।
क्लियरली स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कि भाई जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू होगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कहाँ से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कहाँ से आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्लियरली स्पेसिफाइड होती हैं बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। और इन सब के बारे में लिखा होता है कि दिस डिपार्टमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस डिपार्टमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें क्लियरली स्पेसिफाइड होती हैं। अगर स्पेसिफाइड नहीं होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कभी ना कभी डिस्प्यूट होते ही रहेंगे और ये लगता रहेगा कि, और फिर क्लैशेस हो जाएंगे, किसी भी तरह का डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पाएगा। सो इन चीज़ों से बचने के लिए भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ईच एंड एवरीथिंग स्पेसिफाइड, हर चीज़ को स्पेसिफाइड किया है, क्लियर किया है, ताकि किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो। तो ये तो थी स्टूडेंट्स फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स। ओके, ये हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं फेडरल, ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म तो क्या करता है भी, फर्स्ट देखिए, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये क्या करता है, कंट्री को सेफ्टी प्रोवाइड करता है एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, और कंट्री की जो यूनिटी होती है उसको प्रमोट करता है। क्योंकि आप देखिए भी, जो एक फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया में, अगर आप देखते हो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम है, तो इसमें क्या है, पूरी तरह से क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है फॉर द सिटीजन्स एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, और कंट्री की यूनिटी को, अखंडता को, एकता को बनाए रखता है। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए भी, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। यस, वेरी गुड पॉइंट। तो इसमें आप देखिए क्या होता है अभी, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। आप देखिए, अगर रीजनल वाइज देखो आप, डिफरेंट वैरायटी मिलेगी आपको, डाइवर्सिटी मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो। आप देखोगे नॉर्दर्न पीपल के जो लोग होते हैं, उनका अगर आप थोड़ा सा वाइट कॉम्प्लेक्शन होता है, अगर आप साउथ में चले जाओगे थोड़ा सा आपको डार्क कॉम्प्लेक्शन मिलेंगे। वैसे ही आप देख लीजिए उनका फूड स्टाइल, कल्चर, ड्रेसिंग सेंस, लैंग्वेज ऑल्सो डिफरेंट, सब वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसके साथ साथ आप देखो स्टूडेंट्स कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी होती है, नॉर्दर्न एरिया में आपको प्लेन एरिया भी मिलेगा, माउंटेन्स एरिया भी हैं, स्वैम्पी एरिया भी है, डेजर्ट एरिया भी है, ईच एंड एवरी थिंग अवेलेबल इन इंडिया। तो क्या है भाई, डाइवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या है भी, एकता अनेकता में एकता, ये भी हमारे इंडिया में है। तो ये इसको भी ये अकोमोडेट करके रखता है, इसको भी ये बनाए रखता है। तो क्या हुआ, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक निश्चय हो गया। ठीक है, आगे देखिए भी, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड बी एग्री टू सम रूल्स एंड पावर शेयरिंग। और देखिए भी, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या करते हैं, शुड एग्री टू सम रूल्स, किसी रूल्स को और एंड रेगुलेशंस को, और किसी न किसी मैटर पे वो पावर भी शेयर कर लेते हैं। कभी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है या कभी किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो इस सिचुएशन में वो क्या कर लेते हैं, पावर शेयरिंग कर लेते हैं, और एक दूसरे के बातों पे वो एग्री भी हो जाते हैं, एक दूसरे की बातों को वो मान भी लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट। देखो भाई, दोनों के बीच में ट्रस्ट, एक विश्वास भी बना रहता है, और विश्वास बनाए रखने के लिए उनके बीच में क्या, एग्रीमेंट भी होता है, कुछ बातों को लेके, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। ठीक है, तभी वो इकट्ठे चलते हैं। तो हम कह सकते हैं उनके बीच में ट्रस्ट भी होता है, एग्रीमेंट्स भी होते हैं, वर्बली देखो ट्रस्ट भी करना पड़ता है, और कुछ रिटन एग्रीमेंट्स भी होते हैं, मैक्सिमम एग्रीमेंट होते हैं, रिटन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई फेडरल गवर्नमेंट एक कंट्री को संजोए रखती है, बनाए रखती है। ठीक है, ये तो हो गए स्टूडेंट्स इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म के टाइप्स क्या होते हैं। फेडरलिज्म हैज टू टाइप्स, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं इसके, कि क्या इसके टाइप्स हैं, तो देख लेते हैं अभी टाइप्स को।
टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, तो टू टाइप्स का है ये, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो देख लेते हैं, अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, क्या है अभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। ये इंडिपेंडेंट स्टेट क्या होती हैं अभी, कंबाइंड हो जाती हैं और एक बिगर यूनिट बना लेती हैं, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बना लेती हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बना लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स कंबाइंड हो जाती हैं, कमिंग टुगेदर एंड मेक अ फॉर्म ऑफ बिगर यूनिट, एक बड़ी सी यूनिट बना लेती हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेते हैं। देखो भी सेकंड क्या है अभी, इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पुलिंग सॉवरनिटी। यस, देखो भी ये क्या करती हैं, सिक्योरिटी को इंक्रीज करती हैं बाय पुलिंग सॉवरनिटी, क्योंकि ये अपनी ये सॉवरनिटी को भी बनाए रखती हैं। सॉवरनिटी का आपको पता ही है कि भी एक सुप्रीम पावर, ठीक है, सुप्रीम पावर के साथ साथ ये अपनी सिक्योरिटी को भी इंक्रीज करती हैं, बनाए रखती हैं। नेक्स्ट क्या है भी, ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर, सारी की सारी स्टेट्स जो होती हैं अभी, इन स्टेट्स के पास जो कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स होती हैं उनके पास इक्वल पावर होती है, इक्वल स्टेटस होता है, कोई भी स्टेट्स कोई भी यूनिट ना तो नॉर पावरफुल ना इधर नॉर लेस पावरफुल, ऑल आर इक्वल। और ऐसा सिस्टम आपको कहाँ पे मिलेगा भी, यूएसए के अंदर मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है अभी, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो कमिंग टुगेदर इकट्ठी होकर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना लेती हैं, ठीक है, यूएसए में है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अब आ जाती है अभी होल्डिंग टुगेदर, होल्ड मीन्स होल्ड करके रखना भी, कि कोई चीज़ है आप उसको बनाए रखना चाहते हो, आपके आप उसको होल्ड रखना चाहते हो। इसमें क्या है अभी, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर, तो लार्ज कंट्री क्या करती हैं अभी, वो डिसीज़न लेती हैं पावर को डिवाइड करने का, पावर को डिवाइड कर देती हैं, किस किस के चीज़ के बीच में करती हैं पावर डिवाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट के अंदर वो पावर को डिवाइड कर देती हैं। आगे जैसे हमारे इंडिया में है भाई ऐसा सिस्टम, चलो देख लेते हैं एग्जांपल, इंडिया एंड बेल्जियम जो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे है ये। आगे देखिए भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं भी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, कहीं कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया किसी मैटर को लेके, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में, तो वहाँ पे प्रीफ्रेंस किसको दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर प्रीफरेबल। अगर हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीफरेबल भी नहीं मानी जाती या फिर डिस्प्यूट कोई ज़्यादा है, देन जुडिशरी विंग मे बी इंटरप्रेट, जुडिशरी विंग उसमें इंटरप्रेट करेगी और डिसीजन देगी अपना। आगे देखिए भी, कॉन्स्टिट्यूट यूनिट नो इक्वल पावर। यस, यहाँ पे हमने देखा कि भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूट यूनिट होती हैं उन सब के अंदर क्या होती है, पावर इक्वल होती है, सारी की सारी इक्वल स्टेटस होता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें भाई, इक्वल स्टेटस नहीं है स्टेट के पास, कॉन्स्टिट्यूट जो यूनिट हैं उनके पास कोई इक्वल स्टेटस नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे हम देख लेते हैं अभी कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में ऐसी, जैसे एक तो होती थी भी जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब उसको एक स्पेसिफिक स्टेट नहीं माना जाएगा, बिकॉज जो आर्टिकल 370 था उसको रिमूव कर दिया गया है, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर क्या है, एक नॉर्मल है, अब उसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स नॉमिनेट किया गया है, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, बिकॉज दीज आर माउंटेन्स एंड हिली एरिया एंड लेस बैकवर्ड एरियाज़। कुछ बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अनदर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो लेस इन दीज टाइप ऑफ स्टेट्स, ओके, या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी थोड़ा सा डाउन होती है, तो उन स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर दे दी जाती है फॉर दी पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूट यूनिट होती हैं वो सारी की सारी क्या इक्वल पावर नहीं होती, और किसी के पास पावर ज़्यादा होती है, किसी के पास पावर कम होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म भी डिस्कस कर लिए। इसके बाद आपका आएगा भी कि ऐसे कौन से फैक्ट हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और
शेयर भी करना। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।